कौन? मैं तो निकल गया फिर से नए रास्ते पर, नए लोगों से मिलने, नए रास्ते बनाने, नया सच जानने और कुछ पुराने झूठ को भुलाने। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। और आज मैं सिलीगुड़ी में हूँ, जैसे कि मैंने आपने मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी से पता लग गया होगा कि मैं जा रहा हूँ अभी अपनी नई जर्नी पे। तो वो जर्नी कौन सी वाली होने वाली है, अभी मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद सिलीगुड़ी से 4-5 दिन के लिए। फिर गाज़ियाबाद से मुझे कहीं और जाना है, तो वहाँ कहाँ जाना है गाज़ियाबाद से वो मैं आपको गाज़ियाबाद पहुँच के बताऊँगा। तो मेरी जो ट्रेन है वो NDLS ट्रेन है, जो 8 बजे चलेगी और अभी लगी हुई है यहाँ पर मेरी ट्रेन को। तो अब चलते हैं अंदर, सिटिंग करते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करते हैं। और बाकी आप बताओ कैसा लग रहा है हमारा ये सोलो ट्रैवल लुक, आ नहीं रहा होगा पर लेकिन जो है ठीक है, यही है। और बाकी अब चलते हैं अंदर। फाइनली सीट पे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पर लेकिन मैं ट्राई कर रहा था अपनी 3rd AC टिकट के लिए ट्रेन की, क्योंकि ये मेरा जो सोलो ट्रिप है काफ़ी जल्दी बना, तो बुकिंग करने के लिए एक तो मैंने बुकिंग करनी पड़ती है पहले से कि टिकट हमें कंफर्म मिलती है। पर लेकिन मैं एमरजेंसी में करी तो मेरे को 3rd AC तत्काल नहीं मिली, मेरी तो स्लीपर में, तो इसलिए आज स्लीपर में ट्रैवल करेंगे। और बाकी थोड़ा सामान को मैनेजमेंट कर लिया जाए, उसके बाद फिर बात तालाब आगे बढ़ा दी। फिर लाइन चाय, लाइन चाय, नींबू चाय। तो भाई साहब 1513 किलोमीटर और 36 घंटे के सुहाने सफ़र के बाद आखिरकार हम आ ही पहुँचे अपने शहर गाज़ियाबाद। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद अब गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं, ट्रेन ने हमें यहाँ पर उतार दिया है। अब चलते हैं स्टेशन के बाहर और फिर जो दोस्त हमें लेने आ रहे हैं उनसे मिलवाते हैं कि कौन कौन हमें लेने आ रहा है, कौन लेने नहीं आ रहा है। तो बस ये सीन है, अब निकलते हैं बाहर। तो हमको रिसीव करने आए हैं हमारे राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना जिंदाबाद। तो राजेश खन्ना, गर्मी बहुत है गाज़ियाबाद में, कुछ कहना चाहोगे गर्मी ठंड करने के लिए? अभी AC खुलवाऊंगा यहीं पे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? तो ठीक है गाइस, अब निकलते हैं घर की तरफ और घर पे पहुंच के फिर करते हैं आगे का अपडेट, क्या सीन होने वाला है। नहा धो के हो चुके हैं रेडी और आ चुके हैं हम अपने दोस्त के पास, यानी कि नितिन और राजेश खन्ना। तो आपने देखा ही होगा स्टेशन में पिकअप करने आए थे और बड़े भाई साहब यहाँ पे सारे हैं। और इस तरफ है हमारे माननीय श्री अध्यक्ष जी मुकेश कुमार जी, जो कि काफी हमारे यहाँ से विधायक है, चाचा विधायक है। और मिस्टर भोला दीपक, जिनको जानते होंगे, बाकी चिल्लर पार्टी भी थोड़ी बहुत हमारे पास विधायक है। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसे है, पार्टी चल किस रही है? पार्टी देख तो मेरे आने खुशी से वो भी चल रही है, और पार्टी है कि हमारे नितिन भाई साहब का आज रिश्ता तय हो गया। मतलब क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है, सब तय हो गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और आप भी कमेंट करके इनको शुभकामनाएं दीजिए ताकि इनकी आने वाली जिंदगी शादी वाली रंगीन और बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं। कहाँ कहाँ जाने वाले दोस्तों से मिलने के बाद सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मतलब शाम तक गर्मी रहती है, तो ऐसा लगता है कि कालीपुंग से आने के बाद मैं सीधे मार्च पे आ गई, इतनी गर्मी है। पर लेकिन एक चीज है, अगर मैं गाजियाबाद आऊँ और अपने एक स्पेशल दोस्त से ना मिलूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो पेश है हमारे केडी बावरा, जो हमारे घनिष्ठ मित्र, और आपने काफी ज्यादा ब्लॉग में इनको देखा होगा। कालीपुंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे, ये बताओ। काफी अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, नेचर वहाँ का काफी अच्छा है, घूमने लायक, दूर बहुत है अदरवाइज। सीन कुछ ऐसा है कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर बात लिखूंगा मैं, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर बात लिखूंगा मैं, फिर सुबह से लेकर सारी रात लिखूंगा मैं, और सुनाऊंगा तुमको लिखी हुई हर गजल अपनी आवाज में, सुनाऊंगा तुमको लिखी हुई हर गजल अपनी आवाज में, अपने दिल के पन्नों पर तुम पर एक किताब लिखूंगा। वाह भाई, वाह भाई, मौज कर दी भाई साहब। बाकी कमेंट करके बताओ कैसी लगी शायरी हमारे केडी भाई की। तो इनसे मिलना जुलना तो हो गया, अब निकलते हैं सीधे कहीं और दोस्तों से मिलते हैं। बाकी टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होता तो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सैर सपाटे पे कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह भी ट्राई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, और बाकी आप मिलते हैं अब आगे कि कहाँ निकल रहे हैं। बाय। तो कीडी घर से निकलने के बाद शाम हो चुकी है, और सोचा कि चलो थोड़ा स्ट्रीट फूड को एंजॉय करते हैं। तो मेरा बहुत ही खास एक स्ट्रीट फूड है गाजियाबाद में नेहरू स्टेडियम के सामने, जो कि है KFC मोमोज पॉइंट। काफ़ी अच्छे मोमोज मिलते हैं, और मोमोज के साथ साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स भी है, दीपक इस तरफ और वैभव। काफ़ी मतलब सालों बाद के महीनों बाद हमारा मीटअप हो रहा है। वैभव, तो कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया भाई के साथ, बहुत दिनों बाद मिला क्या, मतलब फर्स्ट मीटिंग टाइप हुआ है हमारा, तो अच्छा लग रहा है। मैं भी ये भी वैभव भी गाजियाबाद में रहता है, मैं भी यही, तो मैंने फोन किया चलो यार आज मिलते हैं, तो थैंक यू टाइम निकाल के आप आए हमारे लिए। तो ये चीज़ का है। बाकी हम हैं नेहरू स्टेडियम के पास, और यहाँ पे हमने मीटिंग करी है, और ऐसा अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। और मोमोज वगैरह भी ले लिए, मोमोज खाए हमने भाई ने, मोमोज। और बाकी कालीपुंग के मोमोज और यहाँ के मोमोज काफी डिफरेंट है, देखा ही होगा आपने, क्रिस्पी मोमोज थे, काफी अच्छे थे। तो बाकी अब निकलते घर के लिए, बाकी यही था मीटअप तो इवनिंग के टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत है दोपहर के टाइम में, सिर्फ दोपहर में बाहर नहीं निकलता हूँ। तो बाकी आप चेहरा देख सकते हो, बड़ा घर में रह के लड़का बहुत सुहाना हो रहा है। ठीक है, तो बाकी अब निकलते हैं घर की तरफ, और बाकी का अपडेट देते कि आगे क्या होने वाला है, तब तक बने रहो वीडियो में। The next day. तो गाजियाबाद की चिलचिलाती धूप में फिर से बाहर गया, थोड़ा बहुत सैर सपाटा किया गया, तो कुछ काम पेंडिंग थे उसको कंप्लीट कराया गया, और उसके बाद थोड़े चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग कराई गई, और सीधे पहुंचा आपके सामने घर पर। तो सीन कुछ ऐसे है कि, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मुझे गाजियाबाद से कहीं और भी जाना होगा, तो उसकी लोकेशन मैं आपको गाजियाबाद पहुँच के बताऊँगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, दमन एंड द्वीप। इंडिया का बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि फेमस है अपने ब्यूटीफुल नेचर के लिए, अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए, एंड अपने ब्यूटीफुल सी फेस व्यू के लिए। तो अब चलते हैं दमन, आपको नेक्स्ट वीडियो में दमन की खूबसूरत चीज़ें दिखाई देखने को मिलेगी, समुंदर देखने को मिलेंगी, और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और है कि गाजियाबाद में आया था तो कुछ वहाँ से लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो ये मैंने अपने गाजियाबाद से स्टार्ट किया था, तो मैंने कुछ लिया है गाजियाबाद से, क्योंकि मेरे चैनल को फरवरी में एक साल हो गया, तो मैं अपने आप को या चैनल को गिफ्ट नहीं दे पाया। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब गाजियाबाद जा रहे हैं तो वहीं पे एक बार चैनल को भी एक ट्रिब्यूट करते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ लिए मैंने, आपको देख के अच्छा लगेगा। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है ये। तो जी हाँ, देखा चेंज। तो चेंज क्या है, चेंज ये है कि मैंने अपने चैनल का, जो मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि मुझे एक टी शर्ट प्रिंट करना है, तो आप जैसे देख सकते हो ब्लॉगिंग अंकल लोगो ये टी शर्ट पे मेरे है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको ये टी शर्ट और ये लोगो कैसा लग रहा है। तो ये चीज़ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि आपका भाई है, आप जो भी मुझे मानते हो वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करके, ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊँ आपके सपोर्ट को देख के, और वीडियोज़ बनाऊँ, और अच्छी अच्छी जगह पर जाऊँ, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के रहूँ, ताकि आपको भी घर बैठे बैठे पूरे ऑल इंडिया टूर का मज़ा मिल जाए। ठीक है, और ये जो मज़ा आया ना, मैं पूरे देशवासियों को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये गाजियाबाद का छोटा सा टूर ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं मेरी दमन द्वीप वाली टूर पे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे दमन एंड द्वीप के अच्छे अच्छे नज़ारे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।